आदि पुरुष के डायरेक्टर और राइटर रामायण को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में जो जेन जी का रामायण बनाया था उससे बेहतर माइथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हनुमान मूवी में है। एंड सारे अच्छे रिव्यूज देख के मैं थिएटर गया था अपने होप्स को पुल बैक करके, क्योंकि नॉर्मली ये सुपर हीरो मूवीज जेनेरिक होती है, बट इतनी इम्पैक्टफुल और माइथोलॉजिकली भी इतनी कॉम्पैक्ट है कि मूवी एक परफेक्ट विलन को सेटअप करने से लेके एक हीरो की ओरिजिन और इस मूवी के सेकंड पार्ट जय हनुमान को भी अच्छे तरीके से सेटअप करती है। वैसे ये एक अच्छी फैमिली फिल्म है जिसे एक बार देखना हाईली रिकमेंडेड है। साथ ही अपने होप्स को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि मुझे मूवी पसंद आई एज ए सुपर हीरो फिल्म, बट काफी सारे लोगों को ये बचकाना लग सकता है, जैसे काफी सारे लोगों के लिए मार्वल और डीसी की फिल्म बच्चों की मूवीज होती है। बट मूवी ओवरऑल मुझे करंट डीसी और मार्वल के मूवीज से ज्यादा अच्छी लगी। अब मूवी जब शुरू होती है तब हमें विलन का पर्सपेक्टिव बताया गया जो दिमाग से हिला हुआ था, साथ ही हमारे हीरो के प्रॉब्लम्स और कैसे हीरो को पावर्स मिली और कैसे उस पावर को उसने कंट्रोल किया, ये सब कुछ दिखाया गया। लेकिन मुझे सबसे खास लगी मूवी की माइथोलॉजिकल एनरिचमेंट, क्योंकि मूवी में एक ओल्ड कैरेक्टर शुरू से है जो हीरो की मदद कर रहा था। वैसे एक सीन में वो अपना शेप शिफ्ट भी करता है, तो मुझे लगा शायद वो खुद हनुमान है जो अपने भक्त की मदद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान तो किसी गुफा में बैठे हुए हैं। फिर ये कौन है? अब हिंदू माइथोलॉजी में 7 चिरंजीवी है जो कलयुग आते ही कल्कि की मदद करने आएंगे, और बाकी 6 चिरंजीवी में जय श्री राम बोलने वाला सिर्फ एक ही है। बट फिर भी मुझे समझ नहीं आता, एज आई एम नॉट दैट इंटेलेक्चुअल। बट बाद में रिवील होता है कि वो विभीषण थे। अब विभीषण खुद एक राक्षस है तो वो अपना शेप शिफ्ट कर सकते हैं, और साथ ही श्री राम उनके परम मित्र भी थे। एंड मूवी के एंड में जब सेकंड पार्ट अनाउंस हुआ तो सेकंड पार्ट में काफी हाई चांसेस है कि बाकी 5 चिरंजीवी भी आएंगे। लेकिन मूवी का अगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे दिखी तो वो था विलन के पास करीब 3-4 चांसेस होने के बाद भी वो हीरो का पावर ले नहीं पाता, जबकि अगर विलन को भी इक्वली स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता फिर मूवी में ज्यादा मजा आता। वैसे बाकी स्टोरी काफी अच्छी है, एक सैक्रिफाइस है, लव एंगल है जो काफी अच्छे से बिल्ड होता है, एंटी हीरोज है, साथ ही बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी है कि इंडियन सिनेमा कितना इम्प्रूव हो चुका है कुछ सालों में। वैसे सेकंड पार्ट के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ जो 2025 में रिलीज होगी अगर डिले ना हो तो। वैसे अगर ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो अभी जो नीचे ग्लोइंग सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, और वीडियो अगर इतना देख ही लिया है तो लाइक भी कर देना। वैसे तुम्हारा इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर करना, हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूर नहीं मेरा प्यार है। एंड एज आई से हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड। मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच शो डिफाई।